अच्छा बेग साहब, आपने म्यूजिक में थीसिस किया रफ़ी साहब के ऊपर, तो आपकी आवाज़ की ममासरत थी, उनसे आवाज़ मिलती थी, इस वजह से आपने उन पर किया या आप वैसे मतलब उसका जहन में? अब बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। हाँ। अच्छा हुआ ये कि वो पहले भी शायद मैं अपना हम ये कर चुके हैं बता चुका। हाँ, काफ़ी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर क्योंकि ताहिर साहब मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, अब उन्होंने पूछा है तो फिर बताना तो पड़ेगा ही। तो एक्चुअली हुआ ये कि बचपन से वही सिलसिला चलता आ रहा था कि वो आवाज़ कॉलेज में थे, फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए तो आवाज़ उनके कुदरती तौर पर मिलती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं थीसिस करने के लिए बॉम्बे गया, तो वहाँ जब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र पे भी गया, हाज़िरी दी, फातह पढ़ी, और वहाँ फिर मैंने जो कब्र की मिट्टी थी उसको पकड़ के मैंने अल्लाह से दुआ भी की कि या अल्लाह वो तो इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन अपनी आवाज़ के सर पे वो तो ज़िंदा ही हैं। तो इंसान एक्चुअली मैं देखता हूँ कि मरता नहीं है, मुंतकिल होता है, ठीक है ना। जिस्म तो क्योंकि यही रह जाता है, रूह जो है वो ज़िंदा ही रहती है। तो फिर मैंने दुआ की और मिट्टी को पकड़ के मैंने वो अकीदतन अपने गले पे भी लगा लिया, और उसके बाद फिर ज़्यादा असर इसमें हुआ। अच्छा। हाँ, अब ये बात आपको नहीं पता थी इस बात? ये मुझे पता इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं थी। हाँ। अच्छा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि अभी आपकी पर्सनालिटी भी, आपने सिंगिंग की तरफ ही किया, आपकी पर्सनालिटी तो हीरो वाला भी थी, आप हीरो भी बन सकते थे। कम वक्त में काम ही नहीं देता। नहीं नहीं, ये तो आप गलत जानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल में एक काम अगर इंसान कर ले ना तो वही अपना बेहतर है, उसको सही तरीके से कर ले। और इसी तरह वो मोहम्मद रफ़ी साहब जब आए इंडस्ट्री में, तो उन्होंने क्योंकि पहले रिवाज था कि जो सिंगर होता था वो एक्टर भी होता था, वो हीरो भी था, वो गाने भी गाता था, जैसे मैडम नूर जहाँ भी गाया करती थी, केएल सहगल साहब थे और दूसरे लोग भी थे, इस तरह करते थे। बल्कि वो आपकी बात काट, बल्कि उससे पहले चले जाएं तो लाइव होता था, जैसे वो गीत गा रहे हैं वही हीरो वो गा रहा है, वही गा रहा है, और थिएटरों में भी यही होता था, बाद में फिल्मों में एक्सपोज होता था, वही गा रहा है, वो उस पर पिक्चराइज, वो उस पर पिक्चर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो बस वही अपना सिलसिला जो है ना वो चलता आ रहा था, वो चलता गया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो नौशाद साहब ने आके फिर इसको चेंज किया, और कि रफ़ी साहब को फिर ये कहा कि आप एक काम कर लें, या आप एक्टिंग कर लें या आप सिंगिंग कर लें, तो आप मुझे फैसला करके मुझे आप बता दीजिएगा। फिर उन्होंने घर जाके सोचा और फिर वो सिंगिंग की तरफ आए। ये हम सबके लिए अच्छा रहा कि वो सिंगिंग की तरफ ही आ गए।